कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंबाला से चंडीगढ़ का 50 किलोमीटर का सफर ट्रक से तय किया। दिल्ली से शिमला के लिए वे कार से निकले थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहुल ने इस दौरान ट्रक ड्राइवरों से बात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। उनके सफर का एक वीडियो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। राहुल को 12 घंटे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि लखनऊ पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल का वीडियो शेयर किया और उन्हें लिखा, यूनिवर्सिटी के छात्रों से, खिलाड़ियों से, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे युवाओं से, किसानों से, डिलीवरी पार्टनरों से, बस में आम नागरिकों से और अब आधी रात को ट्रक के ड्राइवर से, आखिर क्यों मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि वो इस देश के लोगों की बात को सुनना चाहते हैं, उनकी चुनौती और परेशानियों को समझना चाहते हैं। उनको ऐसा करता था कि विश्वास झलकता है, कोई तो है जो लोगों के साथ खड़ा है, कोई तो है जो उनके बेहतर कल के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, कोई तो है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि यह देश लौट जाना चाहता है मोहब्बत और अमन के रास्ते पर। धीरे से यह देश आगे चल ही पड़ा है राहुल गांधी के साथ। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।